नमस्कार दोस्तों, आपके द्वारा मुझसे एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है ना, वो ये है, क्या सीबीआई फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगा? अगर सीबीआई बिक गया तो क्या? जिस तरह से मुंबई पुलिस ने अपना ईमान बेच दिया, अगर सीबीआई ने भी ऐसा कुछ कर दिया, अगर बड़े लोगों ने सीबीआई को दबा दिया, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सीबीआई को दबा दिया तो क्या? मुंबई पुलिस ने सारे सबूत मिटा दिए हैं, है ना? ये चीज़ तो क्लियर है कि मुंबई पुलिस ने पूरा काम किया सबूत मिटाने का, तो सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन कर भी पाएगा और फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगा? तो इसी चीज़ का अपन पूरा इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या पूरा रहने वाला है, सीबीआई यहाँ पे फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगा या नहीं करेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक दिल से दिल तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और इसमें अपन थोड़ा डीपली इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई की जो टीम है, 24 जनों की टीम आई है, ये आई है दिल्ली से, है ना? पूरा इशू रहा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाह रही थी सीबीआई नहीं हो, क्योंकि जब एफआईआर करी सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देखो नीतीश कुमार ने जोर डाला कि सीबीआई होनी चाहिए, ठीक है? जब पूरा बिहार बोलने लगा कि सीबीआई की मांग चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया बिल्कुल सीबीआई बैठेगी, लेकिन मामला था सुप्रीम कोर्ट में, तो एक वो दिक्कत हो जाती है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये वाला जो फैसला था सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये आधार नहीं रह जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया कि बैठेगा भाई सीबीआई, है ना? और जो कोर्ट रहेगा वो रहेगा मुंबई महाराष्ट्र का, क्योंकि केस पूरा वहाँ का है और सुशांत सिंह के पिताजी ट्रैवल कर सकते हैं। कहाँ पे? मुंबई में, उनकी बहन के घर। तो ये पूरा रहा, चलो ठीक है सीबीआई बैठ चुकी है। लेकिन एक जो समझने वाली चीज़ है ना आपके इस सवाल को कि सीबीआई बिक तो नहीं जाएगी, इसको ये क्लियर करता है कि सीबीआई यहाँ पे फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और करेगी। देखो एक चीज़ समझो, सीबीआई बैठी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुंबई में जो बांद्रा कुर्ला है वहाँ पे सीबीआई का ऑफिस है और सीबीआई के अफसर वहाँ पे भी हैं, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में वहाँ से एक भी अफसर नहीं रहता है। जो 24 के 24 आते हैं वो दिल्ली से आते हैं, मुंबई जो बांद्रा कुर्ला में सीबीआई ऑफिस है वहाँ से कोई अफसर इस टीम में नहीं है। क्यों? आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जो देखो राज्य सरकार जो होती है ना, महाराष्ट्र सरकार जो है, वो इन्फ्लुएंस डाल सकती है वहाँ के लोगों को, है ना? मुंबई जो सीबीआई ऑफिस है वहाँ के लोगों की अगर नियत थोड़ी सी बदल जाए या उनसे थोड़ा संपर्क हो तो प्रभाव पड़ सकता है केस में। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा खेल खेला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि सारे जो सीबीआई के अफसर भेजे हैं वो वहाँ से भेजे हैं। अब दूसरा, बांद्रा कुर्ला में इनका ऑफिस है सीबीआई का, वहाँ पर सवाल जवाब नहीं हो रहे। अगर आप गौर फरमाएं कि वहाँ पे किसी को समन नहीं किया जा रहा, वहाँ पे सवाल नहीं कर रही है, कर रहे हैं डीआरडीओ ऑफिस में। डीआरडीओ ऑफिस में क्यों कर रहे हैं, है ना? डीआरडीओ ऑफिस किसके अंडर आता है? ये सेंट्रल के अंडर है, यहाँ पे सेना का राज चलता है, मतलब यहाँ पे सेना सिक्योरिटी देती है, सारी चीज़ें रहती है, तो अब आप समझ सकते हो कि ये सेंट्रल के अंडर है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र का नहीं इन्फ्लुएंस होता, यहाँ पे ना मुंबई पुलिस का कुछ रह सकता है ना कुछ रह सकता है, यहाँ पे मुंबई पुलिस अंदर जाके सीबीआई के साथ कुछ नहीं कर सकती, समझ रहे हो? मुंबई पुलिस को अंदर एंट्री नहीं है, किसी अधिकारी को अंदर ऐसे एंट्री नहीं है। अब एक चीज़ और है कि आप समझो कि समन करती है किसी पावरफुल व्यक्ति को या किसी नेता को, है ना? तो उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, उनके अपने पुलिस होती है। अब जब वो अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये है डीआरडी ऑफिस में, ये है कि वो जितनी भी सिक्योरिटी है पुलिस है उनको बाहर ही रुकना पड़ेगा, और वो जो नेता है उसको सिक्योरिटी देगी डीआरडीओ में, जो सैनिक है, जो सेना है। तो ये एक बहुत ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं काम करेगा, यहाँ पे वो अंडर आ जाएगा डीआरडीओ के, तो सीबीआई का यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, आप समझ रहे हो? तो ये जितनी भी पूछताछ हो रही है रिया को 10 घंटे पूछताछ की, आज रिया से पूछताछ चल रही है, सारी चल रही है डीआरडीओ ऑफिस में। इससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई इनको दबाने की कोशिश नहीं कर सकता। जो 24 टीम आई है, तो देखो एक चीज़ तो समझ में आ जाती है बहुत अच्छे से, आपको भी समझ में आई होगी कि सीबीआई टीम ऐसे नहीं आती, सीबीआई ऐसे नहीं होता, ये भारत की सबसे बढ़िया एजेंसी कही जाती है, तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत फिल्टर होके यहाँ पे अफसर चुने जाते हैं, लोग चुने जाते हैं जो सीबीआई अधिकारी बनते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर सीबीआई टीम यहाँ पे गई है तो रिसर्च करके गई है, और ये कोई मामूली ऐसे नहीं है कि कोई भी बन गया, है ना? तो ये पूरा रिसर्च करके गए कि कैसे एक आईपीएस, बिहार का आईपीएस गया, उसको क्वारंटाइन कर दिया मुंबई पुलिस बीएमसी ने, और पुलिस जाती है, समझ रहे हो? बिहार की पुलिस जाती है, चार पुलिस वालों को कोई सुविधा नहीं दी, उनको ऐसे ही घूमने दिया, ऑटो में घूम रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब पूरा अपने लेवल पे वो इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको कोई सहायता नहीं दी मुंबई पुलिस ने। तो ये सब चीज़ें तो इनकी नज़र में भी है, तो इनके समझ में आता है कि मुंबई पुलिस और यहाँ पे करप्शन कुछ है, कि बहुत बड़ी साजिश है जिसको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? अब देखो एक चीज़ ये भी हुई, आदित्य ठाकरे ने रिज़ाइन कर दिया, आपको पता हो, अपने मंत्री पद से। तो ये वाली चीज़ ऐसी है, अब समझने वाली चीज़ है, देखो कि आदित्य ठाकरे ऐसा क्यों करेगा, जब उसको समन भेजा जाएगा तो जब वो पहुंचेगा, ये मनीष ठाकुर का मैंने देखा था और उन्होंने काफ़ी सही बात की कि जब उनको बुलाया जाएगा ना तो
कोई मंत्री और गाड़ी नहीं होगी, मंत्री नहीं है तो सिक्योरिटी नहीं होगी, और वो आराम से कभी भी जाके चले जाएगा और मीडिया को पता भी नहीं लगेगा कि आदित्य ठाकरे जाके आ गया। लेकिन अगर ये मंत्री पद पे होता तो इसकी सिक्योरिटी भी जाती, मीडिया को पता लगता कि आदित्य ठाकरे जा रहे हैं, समन भेजा गया है। तो ये वाली एक चीज़ है। तो बिल्कुल सही बात है कि आदित्य ठाकरे जो है ना वो इस वजह से ये करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखो, बाकी ये जो कातिल लोग हैं ना ये बच नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे ये पूरी प्लानिंग करके आए हैं सीबीआई। अपन तो बहुत लेट हैं। रिपब्लिक भारत एक्चुअल में ब्रेकिंग जब तक चलाता है ना तब तक सीबीआई 4-6 कदम आगे होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि सीबीआई जो है ना वो 6 कदम आ गया जब तक अपन को ब्रेकिंग मिल रही है। तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कल मैंने सुना ट्विटर पर पढ़ रहा था, रिया चक्रवर्ती वहाँ पर गई थी, आपको ध्यान हो, सेंटाक्रूज पुलिस स्टेशन में, जब सीबीआई की पूरी वो हो गई थी पूछताछ 10 घंटे की, उसके बाद सेंटाक्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचती है रिया चक्रवर्ती, है ना, अपने भाई शौविक के साथ कंप्लेंट करने। तो ट्विटर पे बहुत जाने लिख रहे थे कि मुझे तो ये लगा कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई की कंप्लेंट करने गई है मुंबई पुलिस। वैसे तो बताएं वो किसकी कंप्लेंट करने गई थी, मैं आपको बता दूं, वो कंप्लेंट करने गई थी मीडिया की, जो उसके खिलाफ और उसके घर के बाहर खड़े हुए उनकी कंप्लेंट करने गई थी। बट मुझे जो लगता है ना, कंप्लेंट तो एक बहाना था, सीबीआई ऑफिस में जो पूछताछ हुई है ना ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब आजकल इनके फ़ोन बहुत ट्रेस हो रहे हैं, है ना, लीक हो रही है व्हाट्सएप चैट, फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स। तो अब इन्होंने थोड़ा सा ये किया है कि इन चीज़ों से बचने की कोशिश की और ये बहाना लेके वो जाके मिली है, जो मुझे लग रहा है ना। तो ये वाली चीज़ें अब आदान प्रदान करने में इनकी भी वो हो चुकी है। देखो सीबीआई बहुत तेज होती है, आप समझ लो, बहुत एडवांस होती है। ऐसे नहीं होते कि इनको नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, इनकी नज़र में नहीं है सारी चीज़ें जो अपन आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जो दो डेड बॉडी की बात चल रही है, इनकी नज़र में सब है। ये सारी रिसर्च करके आए हैं, इनकी टीम ऐसी नहीं है, इनको सब पता है कि क्या चल रहा है, दो डेड बॉडी का सीन है, पर ये पत्ते ऐसे नहीं खोलेंगे। ये यही तो हो रही है अभी, ये जो सवाल जवाब हो रहे हैं, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि सीबीआई को अभी तक पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, इस दिशा में वो सोच नहीं रही, पर उनके दिमाग में सब है। वो क्ल्यू नहीं देंगे कि हमें क्या नॉलेज है, वो आपसे जानेंगे। पता है एक इंटरोगेशन जो होती है ना वो यही होती है, मेरे को सब पता है ना, मेरे को सब पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं हिंट नहीं दूंगा कि मेरे को ये नॉलेज भी है। और जब आप बताओगे अच्छा ओहो ऐसे हुआ था, मेरे को पहले से पता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं उसकी बात में ये दिखाऊंगा कि अरे हाँ यार आपने सच बोला है, फिर मैं बोलूंगा ठीक है आप जाओ। उस व्यक्ति को दिमाग में क्या लग जाएगा कि यार वो सीबीआई वाला बेवकूफ़ बन गया, तो वो दूसरे को भी बोल देगा देखो यार ऐसा हुआ। तो ऐसे लोग फंसते हैं, ऐसे लोग फंसते हैं। सीबीआई ये नहीं देगा जो ये बताते ना सीबीआई ना खुश है जब आपसे ये वो, नहीं, सीबीआई हाँ में हाँ मिला देगा कि नहीं आप सही बोल रहे हो, ठीक है आप जाओ। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को लगता है नहीं यार मैंने उसको मूर्ख बना दिया, पर असल में क्या हुआ, आप ही शिकंजे में फंस गए। तो ये चीज़ है। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि सीबीआई जो है पूरी वो करके गई है, और जो ये सेंट्रल नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, पूरा इन्होंने पूरा डिसाइड किया है। देखो डीआरडीओ ऑफिस में हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो। सीबीआई भी नहीं चाहता कि मुंबई पुलिस यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस करे। देखो सीबीआई को जो केस मिला है ना वो तो आप मान के चलो एकदम वीक केस मिला है। वीक कैसे मैं बोल रहा हूँ, मुंबई पुलिस ने पूरा काम किया सबूतों को मिटाने का, है ना, सारे सबूत मिटाए हैं, सारी चीज़ें फिक्स कर दी है। और जैसे इनको लगा ना कि अब तो सीबीआई के पास जाएगा, तो कैसे बौखलाने लग गए थे अनिल देशमुख, संजय रावत, और मुंबई पुलिस की सीबीआई को नहीं जाना चाहिए, है ना, जैसे इनको लगा। तो सीबीआई भी ये सब चीज़ें देखती है ना कि किस तरह से ये बौखला रहे थे, चीज़ों को रन कर रहे थे। तो यही पूरा रहा है मामला, है ना, ये इन्होंने करने की कोशिश की है, दबाने की कोशिश की है। और आज अब सीबीआई आ चुकी है तो इनकी हालत ख़राब है, इनकी समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और इन चीज़ों को समझो कि सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो गलत तरीके से नहीं कर रहा, वो सही तरीके से कर रहा, और बहुत फास्ट चल रहा है सीबीआई यहाँ पे। आप समझ रहे हो, सीबीआई नहीं चाह रहा कि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सके अगर टाइम ज़्यादा डिले हो जाएगा तो सीबीआई 10-10 घंटे 11-11 घंटे काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, काबिले तारीफ काम कर रहा है। और वो बिल्कुल जस्टिस दिलाना चाहता है सुशांत सिंह राजपूत को। मैं बिल्कुल सीबीआई का समर्थन करता हूं और ऐसी मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार की निंदा करता हूं। तो बिल्कुल दोस्तों आप भी ये करिए, और ये बिल्कुल सही बात है, बॉयकॉट जो करा जा रहा है ना आज तक को करना चाहिए। गलत बात ये है कि जो क्रिमिनल जिनको कहा जा रहा है उनका आप इंटरव्यू लेते हो, आप उनकी सराहना करते हो, ये बहुत गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए ऐसा, है ना। क्योंकि आजकल जो ये मीडिया ट्रायल हो गया, सोशल मीडिया पे ट्रायल्स होते हैं, बहुत अच्छा है। सुशांत सिंह राजपूत ने भी एक अपने इंटरव्यू में बात कही थी और बहुत सही बात कही थी। सोशल मीडिया ट्रायल्स कभी कभी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वेपन है वो। छुरा को शार्प करते रहते तो शार्प होता है, लेकिन हम उससे ऑपरेशन भी कर सकते हैं, उससे किसी को मार भी सकते, तो छुरा है वो।
सोशल मीडिया ट्रायल्स, सोशल मीडिया ना, सोशल मीडिया छुरा, इसके साथ हम लोग बहुत अच्छी चीज कर भी कर सकते हैं. सोशल मीडिया ट्रायल्स कह रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इफ समबडी हैज एक्चुअली मेड अ मिस्टेक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू पनिश लाइक इमीडिएटली, एंड इट कैन पुट प्रेशर ऑन एजेंसीज टू टेक इमीडिएट एक्शंस. So in that way it's a good thing, and if somebody is not at fault it's a very bad thing because he's not even getting time to defend. कि सोशल मीडिया पे ट्रायल्स होना बहुत सही है, ये एक हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े व्यक्ति को, मिनिस्टर तक को घुटनों पे ला सकते हो, उसको सजा दिलवा सकते हो. ये सोशल मीडिया ट्रायल की पावर है, ये सोशल मीडिया की पावर है. तो बिल्कुल आज जो मैं ये बात कर रहा हूँ आप लोगों तक पहुँच रही है, ये सोशल मीडिया की पावर है कि देश सुन रहे हैं, प्रशासन सुन रहे हैं. तो बिल्कुल सोशल मीडिया की पावर बहुत बड़ी है और ये डरते हैं, इनको डर है, इसीलिए ये पीआर का काम करने आ गए हैं. और बिल्कुल ये बॉयकॉट होना चाहिए. अगर आप अभी भी आज तक देख रहे हो और बॉयकॉट नहीं कर रहे तो बहुत गलत कर रहे हो दोस्तों. तो इस वीडियो में इतना ही है. बिल्कुल आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो तो. ओ एस के डी मेरा यूज़र नेम है. जय हिंद.